हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नासर नेचर। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ में बात करने जा रहा हूँ आज यूट्यूब के बारे में, इंटरनेट के बारे में। तो देखो दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त 100 अच्छी किताबों के बराबर होता है। एक अच्छा दोस्त 100 अच्छी किताबों के बराबर होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जब कुछ परेशानी आती है, उस परेशानी को आप जब अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, तो वह आपको 100% कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताता है, आपको सेटिस्फेक्शन दिलाता है, उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन कुछ ना कुछ वह बताता है, और आपकी वह हर घड़ी में हर मुश्किल में मदद भी करता है। तो वही होता है एक बेस्ट फ्रेंड। तो मैं दोस्तों अपना बेस्ट फ्रेंड एक यूट्यूब को भी मानता हूँ, मैं अपना एक बेस्ट फ्रेंड एक यूट्यूब को भी मानता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे जब भी कुछ परेशानी आती है तो अपने दोस्तों को भी पूछता हूँ। लेकिन कुछ कुछ टेक्निकल परेशानी भी आती है, जैसे कि इंटरनेट के बारे में, हम कहाँ पे क्या हम ढूँढें। जैसे कि एप्लीकेशन अभी मुझे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एप्लीकेशन बनाना है, तो इस चीज़ का नॉलेज मेरे बेस्ट फ्रेंड को तो नहीं होगा, जो मेरा दोस्त है उसको तो नहीं होगा। वो मुझे कहाँ तक मदद कर सकता है, जिस हद तक उसका नॉलेज है, जिस हद तक उसको जानकारी है, वहाँ तक वो मुझे मदद कर सकता है। लेकिन अभी उसके पास में जो सोल्यूशन नहीं है, कुछ चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है। एवरी पर्सन इज़ नॉट परफेक्ट नाउ, लेकिन हम बन सकते हैं, हम परफेक्ट बन सकते हैं। उसके लिए हमें मेहनत भी करना है, हम परफेक्ट बन सकते हैं, हमें मेहनत करना है। और इंसान ने बनाई हुई कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, आप सोच के देख लो या अपने एक्सपीरियंस से देख लो दोस्तों। आज तक 2019 आ गया है, इतने सालों में इंसान ने बनाई हुई चीज़ ऐसी कौन सी परफेक्ट है? अगर परफेक्ट होती तो देखो दोस्तों, हम मोबाइल में जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, हम मोबाइल में एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं, उसका अपडेट क्यों आता, उसका अपडेट क्यों आता? तो देखो दोस्तों, महीना महीने में, 2 महीने में किसी कोई कोई एप्लीकेशन का 1 हफ्ते में ही अपडेट आता है, जबकि उस एप्लीकेशन को एक कंपनी जब लॉन्च करती है, उसके ऊपर कितने ही टेस्ट करती है, उसके ऊपर कितने ही टेस्ट करती है, तब जाके उस एप्लीकेशन को मार्केट में भेजती है एक कंपनी। लेकिन कुछ महीने होने के बाद में, 2 महीने के होने के बाद में, 6 महीने होने के बाद में, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट होते रहता है। और जैसे इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट हो गया, उसका हमें अपडेट भी आ जाता है। तो देखो दोस्तों, हमें भी इसके साथ ही बदलना होता है, क्योंकि हर एप्लीकेशन हमें अपने हिसाब से तो नहीं मिलती दोस्तों। तो देखो दोस्तों, कुछ सॉल्यूशन आपको गूगल पे मिलते हैं, कुछ सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलते हैं। तो मुझे जो कुछ परेशानी आती है, जैसे कि अभी मुझे यूट्यूब वीडियो एडिटिंग करना है, अभी ये इसका सॉल्यूशन मुझे कौन बताएगा? मेरा दोस्त तो नहीं बताएगा। एक तो मुझे क्लासेस करना है, क्लासेस के लिए अभी मैं तो जॉब कर रहा हूँ, तो क्लासेस तो अभी फिलहाल करने में मुझे दिक्कत जाएगी और टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। तो पार्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे ही ढूंढते रहता हूँ। यूट्यूब पे मैं मैक्सिमम मोटिवेशनल वीडियो देखते रहता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे मुझे ऐसे मेरे परेशानियों का हल मुझे मिल जाता है। तो इसलिए मैं यूट्यूब को एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, क्योंकि देखो जैसे मुझे एक वेबसाइट बनाना है, मैंने पिछले कुछ महीनों पहले एक वेबसाइट पे भी काम किया है, तो मुझे उस पे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। किसके वजह से? यूट्यूब के वजह से। तो हम दोस्तों, अभी जब से जियो आया है, यूट्यूब पे इतने भारी भरकम पॉपुलरिटी आ गई है, पीपल सभी उसको डेली दिन भर देखते रहते हैं। कुछ जैसे हम यब भी हो गया, यब भी में तो उतना MB नहीं आ जाता है, लेकिन हम जैसे यूट्यूब पे आते हैं तो MB हमें ज़्यादा लगती है। तो हम जब तक जियो नहीं था, उसके पहले बहुत कम यूट्यूब चैनल यूज़ करते थे, बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो यूट्यूब यूज़ करते थे। लेकिन जब से जियो आया, यूट्यूब का यूज़ बहुत ही बढ़ गया है। ओके दोस्तों, तो मैं एक अपना बेस्ट फ्रेंड भी यूट्यूब को मानता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि एक मुझे अभी पैसे कमाना है,
मुझे पैसे कमाना है। अभी कई महीनों से मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कि अरे यार कोई अपनी ऐसी एप्लीकेशन मिल जाए जो हमें पैसा दे, हमें पैसा दे दोस्तों, कुछ उस पर 15 मिनट 20 मिनट या दिन भर कुछ तो बोलो खाली पीली टाइम में, हम जब हम हमारा फ्री टाइम है तो हम काम करके उस पर पैसे कमाएं। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ भी किए हैं यूट्यूब पे देख देख के, बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ भी किए हैं, तो लेकिन उससे मुझे दोस्तों कुछ ऐसा खास फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा खास फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ किया है। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट पे अपने इंडिया में तो भी बाहर कंट्री में है ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैंने देखा है, लेकिन हमें उस एप्लीकेशन पे काम करने के लिए बैन है। इंडिया वालों को अलाउ नहीं है, जैसे कि रिवार्ड लेवल ऑफ है उस अमेरिका की वेबसाइट है, उस बहुत अच्छा है, उस पे एक सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करना पड़ता है फ्री में, और यूज़ करके हमें उसका फीडबैक देना पड़ता है, हम उससे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया में ऐसी कोई मेरे ख्याल से एप्लीकेशन नहीं है, अभी तक बनी नहीं है जो हमें कुछ अच्छा खासा अर्निंग दे सके, अच्छा खासा पैसा दे सके दोस्तों। जैसे वन ऐड वगैरह है बहुत सारे उसमें ऐसे, और जब सिर्फ और सिर्फ ऐड आते हैं वो हम यूज़ करते हैं तो कुछ कॉइन बनते हैं, कुछ पॉइंट बनते हैं, बाकी कुछ नहीं बनता, और उस पर बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो मैं दोस्तों जिस तरह यूट्यूब अच्छा है उसी तरह बुरा भी है, हमारा टाइम बहुत वेस्ट भी करता है, क्योंकि यूट्यूब पे समझो आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, मान लो आपको आज एप्लीकेशन बनाना है 1 महीने में या 2 महीने में, तो यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसमें से सब लोग अलग अलग तरह के वीडियो डालते हैं, तो उसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ये भी ढूंढने में हमें दिक्कत होती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमें आसानी से मिल जाए, इंटरनेट अच्छा भी है बुरा भी है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि यूट्यूब एरर, कभी कभी यूट्यूब पे अपलोडिंग नहीं होता है, दिक्कत होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी नेट ऑन रह के भी यूट्यूब नहीं चलता है, तो इसके भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। जैसे मैंने भी डाले हैं, मुझे 2 3 4 दिनों से दिक्कत आ रही थी, यूट्यूब पे मेरे वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, तो मैंने फिक्स किया है, 2 3 दिन लगे मुझे क्योंकि मैं भी परेशान हो गया था। तो दोस्तों एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हम पैसा कैसा कमा सकते हैं, हम अपने ज़िंदगी को किस तरह जी सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपना इंटरनेट पर बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया पे हम अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, तो देखो दोस्तों हमारी सोच को बदल दे दोस्तों, आज से हम हमारी सोच को बदल दे। आप अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सोचे दोस्तों। हम सोशल मीडिया पे टाइम दे वैसा टाइम देने में, हमारा टाइम पास करने में हमें कोई हर्ज नहीं है, हमारे पास में बहुत सारा टाइम है ना दोस्तों, हमारे पास में बहुत सारा टाइम है सोशल मीडिया के लिए। तो लेकिन दोस्तों आज की कंडीशन में, आज हम जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में हमारे पास में बहुत सारा पैसा चाहिए जीने के लिए। हम 1950 में तो नहीं जी रहे हैं, जो कि उस टाइम में 10 रुपये में 50 रुपये में आप हमारा जीना होता था, हमारा महीना निकल जाता था, आज की कंडीशन वैसी नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, इंटरनेट पे जाइए, और कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, हम उसे एज अ साइड बिजनेस कर सकते हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर कर सकते हैं। तो जब तक आप ढूंढोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। एक ऐसा मैं बोलता हूँ किसी को, मेरे जब दोस्त मुझे कुछ बोलते हैं ना, देख भाई करेगा तो मिलेगा, तू करेगी तो तुझे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, करेगा तो मिलेगा। तो यही फंडा है दोस्तों, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा कैसे, कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे। यूट्यूब पे हम कितना ही टाइम पास करते हैं, टाइम पास वीडियो, कॉमेडी वीडियो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, फाइट सीन्स देखते हैं दोस्तों, देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसके साथ में ही
इसके साथ में ही कुछ ऐसा करें जो हम करते हैं उससे करने में मज़ा भी आए। जैसे कि दोस्तों देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे 1 महीने में एग्ज़ाम है, 1 महीने में एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम 1 महीना है तो हम 15 दिन ऐसे ही टाइम पास कर देते हैं। अरे टाइम है, 1 महीना है, 1 महीना है, टाइम है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा पढ़ाई। लेकिन अभी 15 दिन निकल गए, 15 दिन बच गए, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, फिर हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या कोई कुछ फ़ोन आता है, किसी कोई दोस्त का फ़ोन आता है, हम निकल जाते हैं, तो ना उधर मन लगता है ना इधर मन लगता है। अरे यार एग्ज़ाम है, पढ़ाई नहीं हुई है। उसी जगह अभी 15 दिन बचे हैं, आपकी एग्ज़ाम है और आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं 2 2 घंटा 3 घंटा, और आपको अच्छा भी लग रहा है कि यार मेरी पढ़ाई आधे से ज़्यादा हो गई है और मुझे अभी अच्छा भी लग रहा है, मेरे एग्ज़ाम भी अच्छे अच्छे ही होंगे, मेरे पेपर भी अच्छे जाएंगे। उस समय जब आपको किसी का फ़ोन आता है तो आप बहुत खुश होते हो और आप खुशी से घूमने भी जाते हो, खुशी से आप घूम भी पाते हो, क्योंकि आपकी पढ़ाई हुई है तो आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, हम जब तक अच्छा फील नहीं करते, जब तक हमारा जो बैक साइड है वो अच्छा नहीं होता, बोले तो हम अंदर से भी, जब हम अंदर से खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक बाहर से भी हम खुश दिखाई पड़ेंगे, ऑटोमेटिक हम बाहर से खुश दिखाई पड़ेंगे। ज़रूरी है हमें जो हंसी चाहिए, जो खुशी चाहिए, जो अंदर से होना चाहिए। एक तो आप अपने सपनों के लिए कुछ करिए, नहीं तो आप जिस कंडीशन में हो उसमें खुश रहना सीखिए। दोनों में से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक तो आप जिस कंडीशन में हो, जिस लेवल पे हो, उसी में खुश रहना सीखिए। नहीं तो आपको समझो अभी 50 लाख का घर बांधना है, एक अच्छी कार लेनी है, एक अच्छी बाइक लेनी है, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप YouTube पे जाइए, इंटरनेट पे खोजिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। देर आर सो मेनी वेज, वहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं जो आप अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। तो इतना ही मुझे बताना था, क्योंकि मैं भी YouTube को अपना दोस्त मानता हूँ। तो आई होप